हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूँ प्रोफेसर दीक्षिता सेतिया। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो पहले मिले। एंड यस, आज हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12। एंड इवन स्टूडेंट, देयर इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि प्लीज टू फॉलो ऑन माय इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज कॉमर्स नॉलेज पूल। सो लेट्स बिगिन विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12। फर्स्ट हम कवर करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन, दैट इज टोटल यहाँ पे थोड़े ज्यादा डिस्टिंग्विश है, बट आपको इसमें से कंपल्सरी लर्न करने। देर आर टोटल मेनी डिस्टिंग्विश, अगर हम कवर करेंगे तो ऑलमोस्ट 29 to 30 डिस्टिंग्विश आते हैं, बट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 6 मार्क्स के डिस्टिंग्विश आते हैं, जहाँ पे आपको 3 डिस्टिंग्विश कवर करने होंगे। सो हर एक डिस्टिंग्विश के लिए आपको 3-3 पॉइंट्स मेंशन करने, सो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जो आपको लर्न करने हैं एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड, स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। थर्ड, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। फोर्थ, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फिफ्थ, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। सिक्स्थ, फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। सेवेंथ, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। एट, डिजायर एंड डिमांड। नाइन्थ, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। टेंथ, डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। इलेवेंथ, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ट्वेल्थ, सुपीरियर गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। थर्टीन, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। फोर्टीन, इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन इन डिमांड। फिफ्टीन, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड and relatively inelastic demand. 16, perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand. 17, price elasticity and income elasticity. 18, percentage method and total outlay method. 19, stock and supply. 20, total output and supply. 21, individual supply and market supply. 22, expansion in supply and increase in supply. 23, contraction of supply and decrease in supply. 24, average revenue and average cost. 25, demand curve and supply curve. 26, perfect competition and monopolistic competition. 27, perfect competition and monopoly. 28, direct tax and indirect tax. 29, money market and capital market. And 30, output method and income method. इस तरह से स्टूडेंट्स आपको 30 डिस्टिंग्विश गो थ्रू करने हैं, अच्छी तरह से पढ़ने हैं फॉर बोर्ड एग्जाम। आई नो थोड़ा बहुत ज्यादा है, बट इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी ऐसा है जहाँ पे हमें सब कुछ कवर करना होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी जो आंसर द फॉलोइंग है उसमें आपकी शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही कवर किए गए। फर्स्ट, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फोर्थ, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फिफ्थ, लॉ ऑफ डीएमयू, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिक्स्थ, लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। 7th, factors affecting demand. 8th, variations in demand. 9th, types of demand. 10th, law of supply with assumptions and exceptions. 11th, factors affecting supply. 12th, elasticity of demand. 13th, types of price elasticity of demand. 14th, difficulties of national income. 15, features of national income. 16, methods of national income. 17, functions of RBI. 18, functions of commercial bank. Students, इस तरह से टोटल 18 क्वेश्चन।
आपको गो थ्रू करने हैं फॉर शॉर्ट नोट्स एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शंस एंड अजम्पशंस आपको 100% करना है। आपके पूरे इकोनॉमिक्स में 3 लॉस है जो कंपल्सरी पेपर में आते, उसके अलावा जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए वो आप अच्छी तरह से अगर कर लोगे तो डेफिनेटली आपके इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बट आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, उसको अच्छी तरह से लर्न करना है जिससे आप पूरा पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओ। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सेम स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट है तो आप कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर एज वेल एज सॉल्यूशन फॉर योर डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप सपोर्टिंग एंड जितना प्यार अभी आपने दिया है उसी तरह आगे भी देते रहना। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।